अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लाइबा आबिद एंड आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माय एकेडमी एंड रिनॉन इंस्टीट्यूट अ ग्लोब एकेडमी। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट बायोलॉजी एंड बायोलॉजी ऑफ 10th क्लास। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 11 ऑफ 10th क्लास, होम्योस्टेसिस। एज यू नो, होम्योस्टेसिस, होम्यो मीन्स सेम। एज यू स्टडीड प्रीवियसली इन योर कोर्सेज डैट होम्यो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन इक्विलिब्रियम। होम्योस्टेसिस दोनों में होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में हो। हमें ह्यूमन्स में भी होता है, एज इट वी नो डैट एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन। एज यू नो डैट ह्यूमन्स आर इंक्लूडेड इन हायर एनिमल्स, सो वी स्टडी एज एनिमल्स। ओके, और आगे होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, उसमें हम बात करें मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस, हमने इक्विलिब्रियम स्टेसिस की बात की ना, इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस भी इक्विलिब्रियम को ही कहते हैं। और ऑफ इंटरनल कंडीशन एंड डिस्पाइट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मींस के बाहर बॉडी का टेम्परेचर जो मर्जी हो, लेकिन जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो रिमेन सेम। टेम्परेचर हो, बेशक जो मर्जी मेटाबॉलिक वेस्ट हो, सॉल्ट्स हो, वाटर हो, हर चीज़, हमारी जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंसिंग में रहते हैं इंटरनली, डिस्पाइट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंजेस कोई इफेक्ट नहीं करती इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पर। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स वाटर एंड सॉल्ट, रेगुलेशन मीन्स बैलेंसिंग। मीन्स के इसमें बैलेंसिंग हो रही है वाटर एंड सॉल्ट्स की। इस वाटर बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मीन्स थर्मो से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, थर्मो के हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। थर्मोरेगुलेशन मीन्स बैलेंसिंग, रेगुलेशन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। और इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। एज वी नो डैट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इंटरनली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बाहर जो मर्जी टेम्परेचर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर सेम रहेगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे कहेंगे, वो जब निकालने का प्रोसेस है उसे कहेंगे एक्सक्रीशन। आगे है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में पहला जो स्टेप है वो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है। डे टाइम में जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और डे के टाइम उनके जो प्लांट स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो रिमूव करते हैं ऑक्सीजन डे टाइम में थ्रू स्टोमेटा। बाकी प्रोसेस मींस के थ्रू स्टेम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो प्लांट्स, उनकी अमाउंट प्लांट्स में कम होती है। और आप देखा होगा जैसे एक दरख्त पे बहुत से लीव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें स्टोमेटा भी हाई अमाउंट में होंगे, तो वो ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। और वो नाइट टाइम में ऑक्सीजन क्यों नहीं रिमूव करते, क्योंकि एज एन डॉट फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उनकी फूड प्रिपेयर होती है ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि सिर्फ नाइट टाइम में पर उनको चाहिए होता है ब्रेक डाउन के लिए। उस टाइम उनके स्टोमेटा भी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं ले सकते हैं ना ऑक्सीजन को एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। और डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से, जो कि प्लांट्स का एक थ्रू एक प्लांट्स के सर्वाइवल का थिंग है, एक सर्वाइवल थिंग है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि अब प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन गैसेस नहीं होंगी जो एक्स्ट्रा होंगी, और उसके साथ वाटर भी एक्स्ट्रा होता है। मीन्स के आपने देखा होगा प्लांट्स का जो सेल है उसमें जो वैक्यूल है वो दरमियान में होता है, और जो सेल का न्यूक्लियस है वो साइड पर होता है, इसलिए क्योंकि जो उनके वैक्यूल है उसमें उनका जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो स्टोर हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स के सेल का न्यूक्लियस है वो साइड पर होता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, और जो प्लांट्स का वाटर है वो रिमूव थ्रू स्टोमेटा होता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टोमेटा है वो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं। ट्रांसपायरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में जो
प्लांट्स अपने वाटर को रिमूव करते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और वो भी अपने लीव्स के, लीव सरफेस के, और जो लीव की टिप्स ऑफ द लीव्स होता है रिमूव, उसे कहते हैं गुटेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। आगे है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये भी एक्सक्रीशन में ही आता है, जहाँ भी रिमूवल की बात हो वो एक्सक्रीशन होता है, और जो ऑटम का सीज़न होता है उसमें ज़्यादातर रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है प्लांट्स का, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑटम के सीज़न में जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं, और येलो क्यों होते हैं, क्योंकि उनका वेस्ट जितना भी होता है वो लीव्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो ऑटम के सीज़न में फॉल कर जाते हैं और उनका वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। और सच एज हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो टोमेटो प्लांट से क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला है CaC2O4। ये एग्जांपल है एक्सक्रीशन की, मेटाबॉलिक वेस्ट की। ये था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स एंड, और होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा आज। थैंक यू।